दोस्तों एक ऐसा देश जहां भारत का सिर्फ 1 रुपए 54 रुपए बन जाता है। साथ ही इस देश में खुद पिता ही अपनी बेटी के शारीरिक संबंध बनाने के लिए झोपड़ी बनवाता है। इतना ही नहीं, इस देश को बहुत ही कम पैसों में सुंदर बीच, पहाड़ और खूबसूरत दुनिया के साथ बोल्ड नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर युवा आजकल भारी तादाद में पहुँच रहे हैं। दोस्तों मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है कंबोडिया। शायद आपको कंबोडिया के बारे में बहुत ही कम पता हो, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस बेहद ही अनोखे देश के बारे में अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि यह देश थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के बीच आता है, इसीलिए इस देश को बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों कंबोडिया को अपने अनोखे जीवन जीने के तरीके के साथ साथ टैबो लाइफ के लिए काफी पहचान मिलती है। इसके अलावा इस देश में कई अलग और अनोखी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इस सुंदर से देश की राजधानी पनोम फे है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। कंबोडिया में कपड़ों का कारोबार सबसे ज्यादा किया जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ पर आपको काफी सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। यह देश भारत से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है, पर इस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर अंगकोर वट भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही भव्य और अद्भुत है। इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित करा गया है। इस मंदिर के दर्शन के लिए विश्व भर के लोग यहां आते हैं, क्योंकि इसे 402 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया गया है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों यूं तो कंबोडिया में बैर व्यापार कानूनी रूप से अमान्य है, लेकिन इस सुंदर से देश में लगभग 70,000 महिलाएं इस काम को करती हैं। दोस्तों कंबोडिया में एक किरियान नाम की जनजाति रहती है, जहां पिता अपनी 14 साल की लड़की से जवान बेटियों के लिए लव हार्ट यानी प्यार करने की झोपड़ी का निर्माण कराता है, कि लड़की हर रात अपनी पसंद के अलग अलग लड़कों के साथ इस झोपड़ी में रात बिताती है और दिन में घर का काम संभालती है। किरियान नाम की जनजाति का मानना है कि ऐसी परंपरा से लड़की मजबूत और प्रतिभाशाली बनती है और लड़की का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में आसानी होती है। लेकिन टूरिस्टों की वजह से इन जनजाति की परंपराओं पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि पुरुष टूरिस्ट यहाँ पर आकर पैसा फेंक तमाशा देख खेल शुरू कर देते हैं, मतलब कि 13 रुपए में यहाँ पूरी रात वह लड़की के साथ रहते हैं। कंबोडिया के लोग काफी खुश मिजाज और हंसने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ के हर बंदे या हर लड़की के ऊपर एक हल्की मुस्कुराहट देखने को मिलती है, जो आपके स्वागत में हमेशा ही तैयार रहती है। लेकिन यहाँ पर पैर को सबसे बुरा अंग तो सिर को सबसे अच्छा अंग माना जाता है, इसीलिए अगर कंबोडिया में किसी के घर के अंदर जाना हो तो पहले जूते चप्पल उतारना जरूरी है। दोस्तों कंबोडिया में खाने के रूप में काफी विचित्र चीजें खाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक मकड़ी से लेकर बिच्छू, तला हुआ झींगुर या फिर सांप भी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। मात्र 140 रुपए में बेहतरीन वेज और नॉन वेज स्ट्रीट फूड भी यहाँ खाने को आसानी से मिल जाता है। दोस्तों कंबोडिया में 10वीं पास करते करते बच्चे 60 से 70% लड़के और लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, और यहां के मूल निवासियों को केवल 200 रुपए में होटल में कमरा भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आप मैकडोनल्ड बर्गर के दीवाने हैं तो फिर कंबोडिया में ये आप भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ एक भी मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ पर मिलने वाले सस्ते और ताजे स्ट्रीट फूड। दोस्तों कंबोडिया में अधिकांश आबादी 15 से 25 वर्ष की है, और यहाँ की नाइट लाइफ भी थाईलैंड की तरह रंगीन होती है, क्योंकि यहाँ पर वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियाँ बहुत ही कम पैसों में इस काम को करती हैं। अगर कोई भारतीय कंबोडिया जाना चाहता है तो उसे पहले वीजा
लगवाना होगा जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए है और भारतीय नागरिक केवल 30 दिन ही वीजा पर कंबोडिया जा सकते हैं। इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल पर 3 महीने तक का समय भी भारतीय नागरिकों को कंबोडिया में बिताने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अगर मैं इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका एरिया 181,035 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें कुल 1,67,00,000 लोग रहते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म बौद्धिज्म है, जो कुल आबादी का 98% फॉलो करता है। इसके अलावा यहाँ कुछ मुस्लिम, कुछ क्रिश्चियन और कुछ मिले जुले धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं और यहाँ फोन करने से पहले +855 मिलाना होता है।